ये मार्कर है और मार्कर के कवर ऊपर के हैं। अक्सर बच्चे जो है वो मार्कर ख़राब हो जाते हैं, फेंक देते हैं, तो हमें इनके जो ऊपर के कवर हैं, कैप है, वो भी फेंकने पड़ जाते हैं। तो आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है और इनको संभाल के रखना है। इससे हम सारे घर के कपड़े सुखा सकते हैं। और वो कैसे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े से आपकी ज़िंदगी गुजर रही होगी। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आती हूँ। जैसा कि मैं फर्स्ट टिप आपको दे रही हूँ कि सॉक्स के दो होते हैं पार्ट्स, अगर एक गुम हो जाए तो हम इसको काम में ला सकते हैं। हमने क्या करना है, उस सॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा कट कर देना है। तो ये किसमें रबड़ सी लगी होती है, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लाना है इस्तेमाल में। हर घर में केबल्स का, वायर्स का बहुत इशू चल रहा है कि ये गुच्छे के गुच्छे घरों में बने होते हैं। जहाँ देख लो तारों के गुच्छे, जहाँ देख लो इसके जो हैंड फ्री होती है उसका गुच्छा, कहीं चार्जर के गुच्छे। तो आज मैं आपकी ये बहुत बड़ी मसला मुश्किल हल करने लगी हूँ। आपने इसको इकट्ठा करना है और जितने भी बेकार सॉक्स हैं ना, उनके ऊपर की रबड़ आपने संभाल के रखनी है। और ये जो रबड़ होगी ना ऊपर, इस तरह आपने तार को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद आपने इसको कवर कर देना है इस रबड़ के साथ जो हमने सॉक्स के ऊपर से उतारी थी। तो अब इस इस्त्री को कहीं भी रखें, जहाँ भी कबर्ड में घुसाएं, लेकिन ये तार जो होगी ना वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट रेमेडी है वो भी बड़े काम की है। जिस तरह की अब सर्दियों का स्टार्ट है, हम कपड़े निकाल रहे हैं, हर बाद वक्त कपड़े ज़्यादा देर रखे रहे ना तो उसमें से स्मेल आ जाती है, तो वो उसका भी क्या हल होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे तरीके आपको बताए जाते हैं, आप लोग देखते भी हैं, लेकिन जो मैं आपको हल बता रही हूँ उसका ये है कि साबुन हमारे घर में आता है मुँह धोने वाला, या जो भी खुशबूदार साबुन आता है उसको साबुन को आपने इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन जो रैपर होते हैं ना वो संभाल लिया करें। अब ये मेरा गाउन है, काफ़ी देर से रखा हुआ था, एक अजीब सी इसमें ना महक सी आ रही है जो कि धोने के बाद भी नहीं गई। तो मैंने क्या किया, जो साबुन मैंने खोला है उसको मैंने इसके साथ बीच में तह बना दी है, तो बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है उसमें से। देखिए आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी तो आपने अप्लाई ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहें। तो जी हमारी नेक्स्ट जो है वो टिप, वो भी बड़े काम की है, बड़ी अच्छी है और बहुत ही, यानी कि घर में सफाई की तरफ से सुकून रहता है। ये जो नेल कटर है सबके घरों में मौजूद होता है, लेकिन इस नेल कटर से जब हम नेल कट करते हैं ना तो वो नेल इधर उधर कभी खाने में गिर जाते हैं, कभी फर्श पर गिर जाते हैं, तो लेकिन इनको देख के ना बहुत कराहियत आती है, बड़ा अजीब सा फील होता है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे नेल्स कट किए हुए इधर उधर बिखरे ना, फैले ना, तो ये हमारे घर में स्कॉच टेप होती है, छोटी वाली हो जब भी चलेगी, और इस तरह की चौड़ी सी हो जब भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। अगर कम चौड़ी है तो उसको 3-4 बार में लपेट लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये चौड़ी वाली मौजूद है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपके सामने, थोड़ा सा पीस हमने कट कर देना है इसको, और इस तरह ना हमने एक पॉकेट सी बना देनी है इसमें। और पॉकेट बनने से क्या होगा, जब आप नेल कट करेंगे ना तो वो जितने नेल के छोटे 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 पीस होंगे ना वो इस पॉकेट के अंदर चले जाएंगे। होपफुली यू लाइक दिस रेमेडी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट आइडिया क्या है, ये देखें, ये मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि चार्जर, हैंड फ्री वगैरह इस तरह बिखरी हुई होती हैं, आपने इनको भी ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने कोई सी भी रबड़ बैंड ले लें, या एक्स्ट्रा सॉक्स के जो ऊपर वाले रबड़ का हिस्सा है उसको कट कर लें, तो उसके साथ हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद हम इसे रबड़ बैंड चढ़ा देंगे। और ये हमारी कहीं पे भी रखी जा सकती हैं, फिर किसी भी कबर्ड में रखें या कहीं पे भी आप इसको डाल दें, तो ये बिखरेंगी नहीं, ना ही हमें टाइम लगेगा इसको खोलने में। अब नेक्स्ट रेमेडी, जो असल रेमेडी है,
जिसकी बेस पे मैंने ये सारी वीडियो बनाई है वो ये है कि ये मार्कर है। मार्कर बच्चों के ख़त्म हो जाते हैं। मेरे घर में अक्सर कैलीग्राफी का काम ज़्यादा होता है तो मार्कर इस्तेमाल होते हैं, तो मेरा दिल नहीं चाहता कोई भी चीज़ वो वेस्ट करने को। तो मैंने फिर इन जो इसके कैप है ना, इसका मैंने सोचा इसको क्या किया जा सकता है। तो फिर जो ऊपर वाले कैप है, नीचे वाले पेन तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाले कैप को भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अक्सर यह होता है कि हम बाज़ार से इतनी महंगे महंगे कैचर लेके आते हैं जिससे कपड़े सुखाने होते हैं, तो वो कपड़े भी मतलब सुखाए जाएँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इसका नेमल बदल ये है कि अगर किसी को बाज़ार से कैचर ना मिले, ख़त्म हो जाए, टूट जाए, समटाइम्स में टाइम ही नहीं होता, तो अब हम उसका क्या अल्टरनेट करें, क्या उसकी रिप्लेस में हम ऐसा काम करें कि ये हमारे जो है ना कैप्स ये यूज़ हो जाए और इसका हमें फ़ायदा भी हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी कपड़े सुखाने के लिए जाएंगे ना, कपड़ों को वॉश करेंगे, तो वो अक्सर तेज़ हवा तेज़ आंधी में उड़ जाते हैं, और उनको उड़ने से बचाने के लिए हमने इन्हीं कैचर्स का यूज़ करना है। कपड़े फैला दिए, कपड़े फैलाने के बाद अक्सर दुपट्टे होते हैं वो हल्के होते हैं, हल्के के कपड़े ना उड़ जाते हैं फौरन, तो हमने इन कैप्स को जिस तरह की मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपने इस तरह इनको आपने इनको इस तरह कैच कर देना है, इसके साथ डोरी के साथ ही आप इसको अटैच कर दें, और कपड़ा भी हमारा जिस तरह हम कैचर के साथ लगा कैचर लगाते हैं, इसी तरह हमने इस मार्कर के जो है ना कवर कैप्स उनको भी इसके डोरी से अटैच कर देना है, और आपके कपड़े बहुत आसानी से ड्राई हो जाएंगे और हवा हो या आंधी हो उड़ेंगे नहीं बल्कि सूख जाएंगे। अच्छा जी, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मुझे नए नए आइडियाज़ भी दिया करें कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके साथ लाती रहो, उसके लिए आप मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और मुझे भी कामयाबी अता फरमाए, इसके लिए आमीन कह दें। अल्लाह हाफिज़।